हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2025 में आज हम लोग मैथमेटिक्स में समाकलन से संबंधित आसान सा सवाल देखेंगे। ये सबसे आसान सवाल है समाकलन का। कर हमारा क्वेश्चन, समाकलन करे, समाकलन dx बटे 1 प्लस sin x। ये जो क्वेश्चन है आपको 2013 में फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसका समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, समाकलन dx बटे 1 प्लस sin x। अब क्या करते हैं हम लोग समाकलन करने के लिए, इसको कंजुगेट से गुणा करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, ये जो हमारा प्लस है वो उसके ऊपर माइनस लिखेंगे, सेम चीज वही से गुणा करते हैं, उसी से भाग देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, केवल बदला हमारा क्या, साइन बदल गया, यहाँ प्लस था, यहाँ हमारा क्या हो गया माइनस, फिर उतना ही से भाग देंगे हम लोग 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या होगा हमारा, ऊपर में हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स बटे में, ये हमारा अगर ए और इसको बी माने तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करें, समाकलन 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स बटे में, यह जाएगा नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समाकलन 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार लिखेंगे हम लोग समाकलन dx बटे में, इस dx से इसमें गुणा करेंगे, बटे में cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, अब माइनस ऊपर sin x dx बटे cos स्क्वायर x, समाकलन sin x dx बटे में cos स्क्वायर x, हमारा 1 बटे cos होता है से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समाकलन sec स्क्वायर x dx माइनस, इसको हम लोग लिखें एक बार sin x बटे cos x इंटू 1 बटे cos x dx, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x को हम लोग cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम लोग, समाकलन sec स्क्वायर x dx माइनस, sin बटे cos हमारा tan होता है, ये हमारा tan x इंटू sec x dx। अब sec स्क्वायर x का हमारा समाकलन होता है tan x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x, अब माइनस sec x इंटू tan x होता है हमारा sec x, sec x इंटू tan x क्या होता है sec x, अब प्लस समाकलन नियतांक c, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका समाकलन, समाकलन dx बटे 1 प्लस sin x का समाकलन इतना होगा हमारा tan x माइनस sec x प्लस सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
प्रश्न है करा मान निकाले, मान निकाले समाकलन sec स्क्वायर log x बट x इंटू डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है आपको 2013 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन भी सबसे आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जितना दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ हमारा कितना है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है sec स्क्वायर log x बटे x dx, इतना ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस log x को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं हम लोग, log x बराबर z, क्या किए माने, log x बराबर z माना। अब log x का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन डिफरेंशिएशन का log x का था हमारा 1 बटे x dx बराबर dz, इतना होगा। अब इस मान को हम लोग इसमें रख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा समाकलन sec स्क्वायर और log x को हम लोग z माने तो यहां z हो जाएगा और dx बटे x 1 बटे x dx को हम लोग क्या लिखे हैं dz, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा dz। अब sec स्क्वायर x dx या sec स्क्वायर z dz के लिए, चूंकि अगर x होता तो हम लोग tan x लिखते, यहां हमारा sec स्क्वायर कितना है z है, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan z, tan z और प्लस सी समाकलन नियतांक देंगे और z जो हम लोग मान है उसका मान रख देंगे tan z। हम लोग कितना माने हैं log x प्लस सी, ये हमारा क्या निकल के आया, इसका मान निकल के आया। कितना आया मान निकल के, हमारा मान निकल के आया करा sec स्क्वायर x sec स्क्वायर log x बटे x dx का मान हमारा कितना निकल के आया tan log x प्लस सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।